इतने वर्षों तक कार्य किए हैं, उन कार्यों में बहुत सारे अनुभवों के इनका प्राप्त हुआ है मुझे। मेरे मित्र अभिन्न मित्र और अंग्रेजी के एक विद्वान प्राध्यापक जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अंग्रेजी जो पीजी डिपार्टमेंट है स्नातकोत्तर विभाग के मूर्धन्य शिक्षक प्रोफेसर डॉक्टर उदय शंकर ओझा जी, हमारे छोटे भाई डॉक्टर अमरेंद्र सिंह जी जो विद्यालय के प्राचार्य भी हैं और मेरे जहाँ तक जानकारी है वाणिज्य के ही एक अच्छे शिक्षक नहीं एक अच्छे प्रशासक भी हैं। शक्ति शांति विद्यालय के दो पिलर और बड़ी मनोज जी के साथ कुंदन, और कुंदन अपने आप में कुंदन की परिभाषा अलग से देनी नहीं होती है, तो आप तो इस विद्यालय के लिए इस परिवार के लिए और इस गांव के लिए कुंदन है, तो आप दोनों ने इसको सींचा है और इतना बेहतर कार्य आप लोगों ने किया है। उपस्थित यहाँ अभिभावकगण, पत्रकार, मेरे छात्र छात्राएं और माताएं बहनें, साथ ही हमारे छोटे छोटे बच्चे, अभी शशि जी हमसे आग्रह किए मंच से कि आप कुछ स्कूली शिक्षा पर बोलिएगा, तो हम शिक्षक तो ऐसे ही वक्ता होते हैं और हम लोगों की जो पहले अपॉइंटमेंट होती थी तो उसको उसका नाम ही होता था लेक्चरर, व्याख्याता, व्याख्यान देना, और उसके बाद वाली पोस्ट हो जाती थी रीडर, उसके बाद पढ़ना होता था, हम व्याख्यान देना बंद कर देते थे केवल पढ़ना शुरू करते थे, और उसके बाद की प्रोफेसर होती थी प्रोफेसर, और प्रोफेसर प्रोफेशन सबसे बनी है, और प्रोफेसर का ही मतलब होता है कि हम लोग प्रोफेशनल हो जाते थे, उसके बाद ना हम पढ़ते थे ना पढ़ाते थे, हम लोग बस आराम करने लगते थे। अब हम और उदय जी प्रोफेसर हो गए, अब हम लोग उस वाली कैटेगरी से, एमपी सिंह जी भी अब प्रोफेसर ही कैटेगरी में आ गए। मैं आज आप लोगों से कुछ ऐसी बातें करूंगा, खासकर अभिभावकों से मैं बात करूंगा, जिसकी औचित्य हो, रिलीवेंस हो। आज सबसे बड़ी जो रिलीवेंस है कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, और इसको जानना हम सबों के लिए अत्यंत आवश्यक है, अभिभावक को भी, शिक्षकों को भी और छात्र छात्राओं को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नाम आप लोग सुन रहे होंगे, प्रायः हम बहुत सारी चीज़ों को सुनते रहते हैं और इसकी जानकारियों को भ्रांतियों के आधार पर, भिन्न भिन्न भ्रांतियों के आधार पर हम लोग एक उसका परसेप्शन बना लेते हैं, यह है यह है यह है, और बहुत सारे ज्ञान के अभाव में या सूचनाओं के अभाव में उसकी बहुत सारी डिस्टॉर्शंस हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि उसका थोड़ा सा आपके पटल पर एक क्लियर कट पिक्चर होना चाहिए कि वो है क्या। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस स्कूल का जब मैं पीछे पढ़ रहा था तो 5 स्किल्स की चर्चा की गई थी, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो 3 स्किल्स हैं उसमें से एक स्किल वहाँ दिया हुआ है, दैट इज योर कम्युनिकेशन स्किल। तो जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें 3 स्किल्स की बातें की गई, उसमें से वन ऑफ द स्किल आपका है कम्युनिकेशन स्किल, पहला स्किल कॉग्निटिव स्किल। मैं थोड़ा सा इसका विस्तार में बताऊंगा कि कॉग्निटिव स्किल क्या है, कम्युनिकेशन स्किल क्या है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो 5 पिलर्स हैं, 5 जो स्तंभ है वो है, पहला जिसको मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बोलूंगा वो अंग्रेजी में दिए गए हैं, द फर्स्ट इज एक्सेसिबिलिटी, द सेकेंड इज इक्विटी, द थर्ड वन इज द क्वालिटी, द फोर्थ वन इज एफर्मिटी, या उसको एफर्मिलिटी भी बोल सकते हैं, हम एफर्ट कर सकते हैं कि नहीं, और फाइनली द फिफ्थ वन इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी। तो हमारे 5 स्तंभ हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के। पहला, वैसी शिक्षा जो हमारे लिए और आपके लिए आसानी से हम एक्सेस कर सके, पहुंच सके, वह शिक्षा जो आप तक पहुंच सके या आप उस शिक्षा तक पहुंच सके, ऐसी नीति होनी चाहिए हमारी। दूसरी हमारी है इक्विटी की बात, आप लोग इक्विटी शेयर्स वगैरह मार्केट में सुनते हैं कि इक्विटी शेयर है इत्यादि इत्यादि, मतलब वह समानता के साथ, वह शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि समाज के हर वर्ग में समानता के साथ हम शिक्षा के प्रचार प्रसार कर सके या प्राप्त कर सके। तीसरी आती है जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्वालिटी एजुकेशन। देखिए, क्वांटिटी एजुकेशन में हम नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी एजुकेशन की क्वालिटी क्या हो
ये ज्यादा महत्वपूर्ण है अपितु कि हम कितने साक्षर हो रहे हैं। साक्षरता की परिभाषा क्या है? लिटरेसी की जो डेफिनेशन हमारे यहाँ भारत में है वह है कि कोई भी व्यक्ति और अगर वह किसी एक भाषा को लिख लेता है या पढ़ लेता है तो वह साक्षर है। और केवल एक भाषा को लिख लेना और पढ़ लेना ही साक्षरता है तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। आवश्यकता क्या है? क्वालिटी एजुकेशन का, जिस पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मुख्य रूप से इम्फैटिकली कह रहा है कि एजुकेशन तो हो लेकिन क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन कैसे आएगा? हमारी जो भूमिकाएं हैं आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अच्छी बात है कि किसी समय कोई एक ऐसा राष्ट्र जो यह कहा करता था कि भारत में कभी भी अपने शासन करने का क्षमता नहीं है भारत को, तो यहाँ शासक हो नहीं सकते हैं, ये शोषित हो सकते हैं, और वह राष्ट्र हुआ करता था यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। और आज हमें खुशी है और आपको भी खुशी होगी कि आज उसी यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर हमारे भारतीय हैं, ऋषि सुनक जी, और हम उस पर शासन कर रहे हैं। यह भारत की जो उपलब्धियां मिली हैं उन उपलब्धियों में क्वालिटी एजुकेशन का कहीं ना कहीं है। वह एजुकेशन ही है जिसके कारण आज हम लोग अपने को अमेरिका हो या यूरोप हो या दूसरे कंट्री में इस्टेब्लिश कर पाए। तो क्वालिटी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इन स्कूलों की जो भूमिकाएं हैं उनकी भूमिका कैसे निर्धारित होती है, उस क्वालिटी एजुकेशन की मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, अभिभावकों से मैं विशेष बात करूँ, अभी मेरी चर्चा हो रही थी जब हम लोग बैठे हुए थे कि शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन की भूमिका कहाँ से शुरू होगी। मेरी अपनी मान्यता है कि क्वालिटी एजुकेशन की भूमिका परिवार से शुरू होगी, माँ से शुरू होगी, पिताजी से शुरू होगी, परिवार से शुरू होगी, परिवेश से शुरू होगी। प्रायः मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी शिक्षण संस्थाओं की बात होती है तो हमारी पहली शिक्षिका हमारी माँ होती है, दूसरे शिक्षक हमारे पिताजी होते हैं, तीसरा हमारा परिवार होता है, चौथा हमारा गांव और परिवेश होता है, पांचवा प्राइमरी स्कूल होता है, छठा हमारा मिडिल स्कूल होता है, सातवां हाई स्कूल होता है, आठवां महाविद्यालय होता है और नौवां विश्वविद्यालय होता है। जब भी प्रायः लोग हम लोग के पास आते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी सिस्टम कोलैप्स कर चुकी है, आपके कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो मैं हमेशा उनसे एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता हूँ और प्रश्न पूछता हूँ कि जब जहाँ आठ विद्यालय अपने भूमिकाओं को ठीक से नहीं निभा रहा हो वहाँ इस नौवे आदमी को आप कितनी जिम्मेवारियाँ दे सकते हैं कि आपके कार्य अच्छे नहीं हैं। मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं आलोचना कर रहा हूँ, मैं समीक्षात्मक रूप से समालोचना के लिए आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ। आप में से कितने अभिभावक हैं जो इस स्कूल में वीक में एक बार अपने प्रतिपाल्य के लिए आते हैं और आकर के पूछते हैं कि मेरे बच्चे में कौन सी ऐसी नैसर्गिक प्रतिभा है, कौन किस क्षेत्र में इसको भेजे। आप अपने शिक्षकों के साथ बैठ करके एक क्या कोई राय मशवरा करते हैं कि हमारे बच्चे में किस तरह से पढ़ाई की जाए, किस बच्चे को बेहतर बनाया जा सके। ऐसा नहीं है। हम इस भौतिकवादी दुनिया में एक बात तो जरूर कर रहे हैं, हम केवल पड़ोसियों से यह चर्चा कर रहे हैं कि पतपा हम तो फलानवा स्कूल में पढ़ाई ले जाने के फीस 8,000 रुपया बा, पतावा जो हम घर बनैनी हो वो जमीनवा छपड़ा में किन्नी हो वो 50 लाख रुपए कट्ठा बा। यानी कि हम अपने बच्चों के सामने जो आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, जो चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भौतिकवादी चीज़ों के समाहित है, ना कि उसमें किसी तरह की नैतिकता या मूल्यों का कहीं ना कहीं समावेश है। तो यह जो कमी आई है हम अभिभावकों में, उसका कहीं ना कहीं एक दुष्प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। एक समय हुआ करता था जब हमारी पढ़ाई लिखाई में हमारे उन स्कूलों की भूमिकाएं होती थी, उन शिक्षकों की भूमिकाएं होती थी जिन शिक्षकों के कारण आप ही किसी आमी गांव के अन्य आज जो उपलब्धियां 30 वर्ष 50 वर्ष पहले यहां के लोगों की रही है। इसी आमी गांव के सुशील बाबू उस जगदम कॉलेज के प्राचार्य रहे जहाँ का मैं प्राचार्य वर्षों तक रहा। इसी आमी गाँव के आप ही के इनके पिताजी जो है वो हमारे एक उच्च पद को सुशोभित किए एक साइज में और बड़े पदों पर। इसी आमी गांव के अभी डीके सिंह जी वाइस चांसलर हैं, डायरेक्टर हैं बीआईटी सिंदरी के धर्मेंद्र जी। इसी आमी गांव के विनय जी जो हैं जबलपुर यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर और अनेक लोग। मैं एक लोगों की अगर मैं नाम लूँ तो कुछ लोगों के साथ बेईमानी होगी, यह भूमि आपकी रही है
ऐसे आमी जैसे गांव छपड़ा में कम से कम 20-25 ऐसे बड़े गांव थे जहां के अनेक उपलब्धियां, सिताब दियारा, आमी, नैनी, फकली, हुंदा, इन सारे गांव की बहुत बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां रही। और उस समय की पढ़ाई का स्तर क्या था, जिसको एक ही चीज है, हम अभिभावकों से ज्यादा विनती करेंगे और शिक्षकों से भी विनती करेंगे कि हम कहीं ना कहीं जब पढ़ाई हम इसलिए करने लगेंगे कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे जीविकोपार्जन का साधन चाहिए, तो उस पढ़ाई का औचित्य खत्म हो जाएगा। हमें इसलिए पढ़ना होगा कि मुझे अपने चरित्र का निर्माण करना है, हमारे बच्चे में उच्च कोटि की नैतिक व्यवहार, व्यवहारिकता, नैतिकता का फूट भरनी है। और इस तरह की पढ़ाई का अगर माहौल हम बनाने लगे और हम इन चीजों से संतुष्ट होने लगे तो हमारी शिक्षा का तरीका बदल जाए। दूसरी तरफ अभी मैं जैसे बात देख रहा था हमारे मन से, मैं अपने बाद में कुंदन जी से मैं सजेस्ट करूंगा, हमारे बच्चे और बच्चियां जब मंच पर आ रहे हैं और जब वो बोल रहे हैं, और आज देखिए उसका मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि बहुत रिलीवेंट है। आज हमारे यहाँ स्कूलों का औचित्य क्यों घट गया, आप लोग भी क्यों, हमारी सारी रिलीवेंस खत्म हो रही है। बच्चा क्या कर रहा है, उसको असाइनमेंट मिल रहा है तो विकिपीडिया और गूगल पर चला जा रहा है, और वह गूगल से लेकर के विकिपीडिया से जाकर के, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया, चैट जीपीटी का जमाना आ गया, वह क्या कर रहा है कि वह अपनी चीजों को ऑडियो भी बोल देना है, यानी कि लिखना भी टाइप नहीं करना है, तू सही बोल दो, या असाइनमेंट बना दो, या प्रोजेक्ट बना दो, या चीज बना दो, और चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे पूरा का पूरा एक चीज दे देंगे। लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ऑलरेडी विकिपीडिया या गूगल अपने डिस्क्लेमर में लिखता है यह आर्टिकल सारी चीजें आप ही लोगों के द्वारा बनाई गई है, उसकी कोई ओन टीम नहीं है, इसलिए उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी ऑथेंटिसिटी वो 100% नहीं दे रहा है, वो ऑथेंटिक नहीं भी है, नहीं भी हो सकता है, वो आंशिक रूप से सही और आंशिक रूप से गलत भी हो सकता है, और हमारे बच्चे सीधे सीधे उसी को सही मान ले रहे हैं। आज सारा चीज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर चला गया, आज सेमिनार हो या स्कूल की पढ़ाई हो, सारे के सारे इंटरेक्टिव पैनल्स पर चले गए। अरे इंटरेक्टिव पैनल पर चले गए, ठीक बात है, अच्छी बात है, आधुनिकता के साथ चीजें बदलनी चाहिए, लेकिन जो हमारे शिक्षकों की दैहिक भाषा हुआ करती थी, जिसको बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, वह बॉडी लैंग्वेज वाली पढ़ाई खत्म। आज हमारे बच्चे मंच से बोल रहे हैं, भाव सुनने उनकी बातें हो रही है, माई डियर जेंटलमैन द लेडीज, फलाना चिलाना, कोई दैहिक भाषा है ही नहीं, बॉडी लैंग्वेज है ही नहीं, जिस बॉडी लैंग्वेज से बात करनी चाहिए जो शिक्षक हो या वो हो, कि हमारे किन शब्दों को किस तरह से बोलना है, क्या उतार चढ़ाव होना चाहिए, क्या हमारी दैहिक भाषा होनी चाहिए। याद कीजिए, मुझे याद है हमारे हिंदी के शिक्षक होते थे तो वह जब वह ऐसे वीर रस की अगर कविताएं पढ़ाते थे तो उसमें वीर रस टपकता था, और जब वह छायावाद की कविता पढ़ते थे तो उसमें छायावाद की फूट आती थी। अगर वह आपको दिनकर की कविता पढ़ते थे तो वो बोलते थे, अरे वो युधिष्ठिर कौन है, यहाँ जाने दे उसे स्वर्ग दी, लौटा दे हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम भी। तो इसमें वीरता छलकती थी एक रस का। लेकिन जब वह पंत की कविता पढ़ते थे, वह महादेवी वर्मा की कविताएं पढ़ते थे, वह हिमाद्र त्रिंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभास मुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, केवल भाषा और शब्दों के उतार चढ़ाव से जो पढ़ाई के तरीके हुआ करते थे वह चीजें आजकल लैग कर रही है। या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो या फिर आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, अब इस बात की चर्चा हो रही है और आप लोग अभिभावक के साथ भी मैं शेयर करना चाहूंगा, जिस तरह से IQ इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंस क्वेशेंट इंपॉर्टेंट है, मैं IQ की बात बता दूं, उसी तरह से EQ इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इमोशनल क्वेशेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, हमारे CS के यहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं, हो सकता है कि इनको लगे कि मैं कंप्यूटर साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग का मैं कुछ क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, नहीं, या मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि 2032 तक अगर 32% अगर नौकरियां विश्व में कोई देने जा रहा है तो मशीन लर्निंग ही देने जा रही है, सबसे ज्यादा प्रोफेशन वही मिलने जा रहा है। और आजकल आपके CS वाले लोगों के भी थोड़ी सी सिविल इंजीनियरिंग वाली हालत हो गई है जब से AI और मशीन लर्निंग आया है, तो अब AI और मशीन लर्निंग आने के बाद सारी चीजें थोड़ी सी बदल गई। लेकिन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आए
कंप्यूटर सारी चीजों को जवाब दे सकता है, लेकिन कभी आपके तकलीफ में उसका हाथ निकलता आपके गालों को सहला करके सहानुभूति दिया है क्या, संवेदना किया है क्या, आपके साथ रोया है क्या, आपके साथ हंसा है क्या, आपके आपके घर परिवार के तकलीफ में कभी तकलीफ में गया है क्या? नहीं जा सकता। मशीन सारी इंफॉर्मेशन दे सकती है, मशीन सारी कुछ बता सकती है, लेकिन भावना नहीं दे सकती है, तकलीफ नहीं दे सकती है, सुख नहीं बता सकती है, दुख नहीं बता सकती है, वह इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकती है। इसलिए एआई तो हो लेकिन ईआई भी हो, इमोशनल इंटेलिजेंस की भी बात हो, इंटेलिजेंस क्वेश्चंस तो हो लेकिन ईक्यू की भी बात हो, इमोशनल क्वेश्चंस की भी बात हो। चूंकि आप बच्चे भी भावक हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत सारे भक्ता हैं, किसी दिन पढ़ाई होगी तो मैं डिटेल में बताऊंगा, पर मैं आईक्यू और ईक्यू की डिफिनेशन में दे दूं, चूंकि आप लोग जानना जरूरी है। आईक्यू आप लोग सुनते होंगे, इसका आईक्यू बड़ा हाई है, इस बच्चे का आईक्यू बड़ा बढ़िया है। आईक्यू क्या है? पहली बात तो यह है कि आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि अभी जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, बच्चे भी बोल रहे हैं, लेकिन यह क्लोज इनक्लोजर्स होने के चलते हमिंग बहुत हो रही है। तो यह क्या हुआ कि साइंटिफिकली रॉन्ग प्लेस हो गया किसी क्लास को एड्रेस करने के लिए। ये साइंटिफिकली रॉन्ग प्लेस है, यह कभी इफेक्टिव नहीं हो सकता है। ये कम्युनिकेशन स्किल में यह भी इंपॉर्टेंट है कि द प्लेस जहां से हम बात कर सके, जहां हम कार्यक्रम कराएं, वह कार्यक्रम स्थल ऐसा बनना चाहिए जिसमें हम अपनी बातों को हर श्रोता तक पहुंचा सके। दूसरा एक कम्युनिकेशन स्किल का और तरीका है, अब जैसे हम बोल रहे हैं और आपके सामने नाश्ता चल गया, तो आपका नाश्ता सारा का सारा ध्यान का डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, अरे बात को आप सुनिएगा ही नहीं, तो वो ऑब्वियस है कि यह भी एक दूसरा तरीका है जिसमें कम्युनिकेशन स्किल जो है खत्म हो जाती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है कि कम्युनिकेशन स्किल कैसे नहीं होगा, कम्युनिकेशन स्किल इस तरह की, और कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आप अपने घर में भी कम्युनिकेशन बनाइए, आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे का व्यक्तित्व व्यापक हो, बड़ा हो, और आप चर्चाएं घर में क्या कर रहे हैं, आप चर्चाएं कर रहे हैं, ए सुनू हुआ हो आज तारा फलनवा या का भैल हा, ए सुना है का भैल बा, हेजा झगड़ा, तो हम अपने घर में अपशब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, हम अपने घर में ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते रहते हैं जो कि सही नहीं है, और हम अपने बच्चों से जो उम्र है उनका, जो ग्रैप्स करने का उम्र है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यह बात वह ना जाने उसको ना दोहराए। एक लघु कथा है, मैं उसी की बात करके मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा, कि एक आप लोग भी सुने होंगे, एक बार एक आदमी के दरवाजे पर कॉल बेल बजा, तो बच्चा दरवाजा खोलने गया, तो उसके अभिभावक खोलने दरवाजा खोलने के पहले कहे कि कोई आया होगा तो बोल देना कि पापा घर पे नहीं है। लड़का दरवाजा खोला और जाके दरवाजा खोल करके बोला, क्या बात है, तो पापा है क्या, हाँ तो नहीं, पापा बोले हैं कि कह देना है कि पापा घर पे नहीं। अब यह जो आदत उसकी पड़ गई, और दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं जिसमें माताओं पर यह जाहिर होता है, वह उदाहरण यह है कि एक बार एक व्यक्ति को हत्या के आरोप में फांसी की सजा हो गई। जब उसे फांसी की सजा हो गई तो जितने पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उस बच्चे ने कहा कि मेरे बदले में मेरी मां को फांसी दे दी जाए। तो जज ने कहा कि विचित्र है भाई, माँ को क्यों फांसी होनी चाहिए, माँ तो माँ होती है, इतना मानती है, इतना कुछ करती है तुम लोगों के लिए, तुम्हारे लिए इतना कुछ की है, त्याग की है। बोला कि नहीं नहीं, मैं आज हत्यारा हूं, उसका मूल कारण मेरी माँ है। तो बोला कैसे, जज ने पूछा कैसे, बोला कि पहला दिन मैं स्कूल गया और स्कूल में एक पेंसिल चुराई मैंने, और घर जब आया तो माँ बोली कि केवल पेंसिल चुरा के आया हो, पूरा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लाना था। और जो उस दिन से मेरा मनोबल बढ़ा और जो मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, तो आज उस पेंसिल चुराते चुराते मैं हत्यारा हो गया और मुझे फांसी की सजा हो गई, इसलिए मेरी यह सजा मेरी मां को देनी चाहिए न कि मुझे देनी चाहिए।
अब सोचिए कि कितनी बड़ी भूमिका है। यह बातें लग सकती हैं किसी माँ के लिए, किसी पिता के लिए यह बातें थोड़ी सुनने में अटपटा लग सकता है, परंतु यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एक किसी व्यक्ति के संपूर्ण निर्माण में उसकी माँ की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप लोगों ने अपने शास्त्रों में भी पढ़ा होगा, यहाँ तक कि माँ के जो चिंतन मनन चलते रहते हैं गर्भ में पलते हुए बच्चे, उस चिंतन मनन के भी कारण बहुत सारे कुछों का पढ़ लेते हैं और ज्ञान हो जाता है। इसका उदाहरण अभिमन्यु है हमारे शास्त्रों में, कि हमारी माँ का जो चिंतन चलता है, इसलिए हमारे यहाँ परंपराओं में, हमारे धर्मों में यह लिखा है, वर्णित है कि माताओं को अपने जब गर्भावस्था में होनी चाहिए तो बेहतर सोच और बेहतर भोजन करना चाहिए। अच्छे भोजन और अच्छे सोच के प्रभाव हमारे आने वाले पीढ़ियों पर पड़ते हैं। यह केवल गर्भावस्था में ही नहीं होनी चाहिए, बाल्यपन से लेकर के उसके पूरे प्रतिपाल्य के जहाँ तक उसका पालन हो रहा है, उस पूरे पालन काल में अगर माँ यह सोच ले कि हम बेहतर भोजन करवाएंगे और बेहतर इसको मानसिक भोजन और शारीरिक भोजन दोनों भोजन को मैं बेहतर बनाकर रखूँगा, उस बच्चे के लिए किसी भी दूसरी संस्थाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, बहुत सारे बातें हो सकती थी, लेकिन मैं कुछ एक बातों को कहूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो मैंने 5 पिलर बताए और 3 स्किल्स बताए, 5 पिलर्स जो आप लोगों को ख्याल रखना है, उसमें से 3 स्किल में से कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव कहते हैं, कॉग्निटिव हुआ कि किसी चीज़ को लर्न करना प्रोसेस के थ्रू मिल करके, जो सामूहिक रूप से आप लोग जो टीचर बीएड किए होंगे वहाँ कॉग्निटिव लर्निंग टीचिंग प्रोसेसेज आपको पढ़ाई जाते होंगे, कॉग्निटिव मैकेनिज्म होता है टीचिंग प्रोसेसेज में। उसका तरीका है कि बच्चों को अभ्यास से पढ़ाइए, किताबों से मत पढ़ाइए, बच्चों को उसके उदाहरण से पढ़ाइए। जैसे आप कोई फिजिक्स का टीचर और एक पैर पर खड़ा हो जाए, कहे कि संतुलन नहीं बन रहा है, क्यों, तो उसको आप संतुलित करके दिखाइए कि सेंटर ऑफ मास मेरा ग्रेविटी चेंज कर चुका है जिसके कारण संतुलन नहीं बन रहा है। अपने भाषाओं में अपने प्रयोग को शामिल कीजिए, अपनी आप हिंदी के हो, मानविकी के हो, सोशल साइंस के हो, इसमें प्रयोगात्मक बनिए, एक्सपेरिमेंटल टीचिंग होनी चाहिए और टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस को ट्रेडिशनल मत रखिए, तब जाकर के बातें बनेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आज से, मैं कल के एक स्कूल के कार्यक्रम में था छपड़ा, तो मैंने वहां बच्चों से पूछा, बड़ा मैं अभी सर्वे कर रहा हूं, जिस स्कूल में जा रहा हूं बच्चों से एक प्रश्न पूछ रहा हूं, यहाँ के भी बच्चों से पूछ रहा हूँ, कितने सारे तुम लोग बच्चे हो जो प्रत्येक दिन अपने माँ बाप का पैर दबाते हो, कितने सारे बच्चे हो जो अपने माँ बाप का पैर दबाते हो, हाथ उठाओ, कितने सारे बच्चे हो, हाथ हिलाओ, कि तुम अपने माँ बाप का पैर दबाते हो रोज या सप्ताह में एक बार। हाँ, संख्या इस स्कूल में कम से कम 10 है और कुछ बड़े बच्चे भी हमको दिखाई दे रहे हैं सामने, 2-3 बड़े लोग भी, तो इसकी संख्या 10% हो गई है जो आज से 30 साल पहले 50% थी और आज से 100 साल पहले 100% थी। यह जो हराश हुआ है, इसको कोई भी शिक्षा इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। इसलिए तुम्हें केवल कोई पढ़ाई नहीं करनी है, प्रत्येक दिन अपने माँ बाप का पैर दबाओ, उनकी आशीर्वाद ही तुम्हें सब कुछ दे देगा, किसी दूसरे चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरी जो मान्यता है। और मैं अपनी स्वर्गीय माँ को श्रद्धांजलि ही से अर्पित करूँ, जिनके आशीर्वाद से हम सारे भाई बहन डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर बने, या आपके सामने 2 शब्द बोलने के लायक हुए, तो हमारे वो श्रद्धेय हमारी स्वर्गीय माता पिता लोग हैं, हमारा परिवार है, हमारा गांव का परिवेश है, और शायद वहाँ से कुछ सीख करके आप लोगों के सामने अपनी बातों को रखने के प्रयास किए। तो आप केवल अभिभावकों से केवल एक अनुरोध है, कभी भी केवल 10 फुट छपड़ा में जब तुम खरीद के और लोगों को दिखाते मत रहिए कि देखिए हम मार्बल राजस्थान से लाए हैं और सागवान फलाने जगह से लगाए हैं और फला चिलाना जगह से मैंने यहाँ पर 3 मंजिला घींच दिए हैं। 3 मंजिला मत घींचिए, अपने बचवा का कैरियर थोड़ा घींच दीजिए, 6 मंजिला घींच देगा, और अगर नहीं खींचिएगा तो आपका 3 मंजिला भी एक एक पुश्त में ध्वस्त कर देगा। इसलिए केवल अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दीजिए, भौतिकवादी चीज़ें हमेशा नश्वर होती हैं। अंत में मैं जो बार बार बात बोलता हूँ कि आपकी सरस्वती का आगमन अगर हो जाए तो लक्ष्मी खुद ब खुद आ जाती हैं,
लेकिन अगर लक्ष्मी विकराल रूप में आपके यहाँ आ गई तो सरस्वती आपसे बिदक करके दूर चली जाएंगे, इसलिए आप लोग सरस्वती का आगमन अपने यहाँ करें। थैंक यू आप दोनों को, मनोज जी को, कुंदन जी को, आपके विद्यालय के सारे शिक्षकों को, शशि जी को, और बच्चियों का जो इतना थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज बेटा मुंह पर एकदम हमेशा थोड़ी खुशी होनी चाहिए ना, सीखो थोड़ा लर्न करो अच्छे से, ठीक है बेटा, चलो थैंक यू बाबा।